राफेल डील को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने रायपुर में राफेल डील को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। गुलाम नबी ने कहा कि जिन जहाजों को यूपीए सरकार ने 526 करोड़ में खरीदने का एग्रीमेंट किया था, उसी जहाज को अब भाजपा सरकार 1617 करोड़ में खरीद रही है। आजाद ने राफेल डील को देश का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला बताते हुए कहा कि सरकार ने देश के लोगों के साथ धोखा किया है। अध्यक्ष भूपेश बघेल जी, साहू जी, छाया जी उपस्थित, यहाँ सभी लीडर्स और जिनके लिए आज मैं आया हूँ वो आप सब मेरे सामने पत्रकार साथी, आज तो आपका दिन है, इनका दिन नहीं है, इनके लिए मैं दोबारा आने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा कि ये जैसे बघेल जी ने बताया कि डेट चेंज होना पड़ी, करना पड़ी। जब ये कार्यक्रम बना रहे थे पूरे देश में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, तो मेरे घर में ही 3-4 दिन मीटिंगें हुई, कहां कहां करनी है और कौन कहां करेगा, तो 3 जगहें मैंने खुद अपने लिए रखी थी, किसी को दी नहीं। एक रायपुर, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से मैं आया नहीं, एक दिन एम्स का उद्घाटन करने आया था तो वो भी बड़ी जल्दी जल्दी में, क्योंकि इलेक्शन दूसरे दिन अनाउंस होने वाला था, और दूसरी जगह जहां मैं कल जा रहा हूं झारखंड, और तीसरी जगह हैदराबाद। इससे पहले तो उसमें 8-10 दिन में बिस्तर पे लेटे रहा, तो उसके बाद अब कार्यक्रम दोबारा शुरू हो गया, तो अब मैं 4 दिन में ये तीनों जगहें खत्म कर रहा हूं, और आज पहला रायपुर लिया, कल मैं झारखंड जाऊंगा और परसों हैदराबाद जाऊंगा। और ठीक अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं न इन्होंने किसी दूसरे की मांग की और न हमने छोड़ा कि हम खुद ही आएंगे यहाँ, उसके 2 कारण थे कि आप लोगों से भी मुलाकात हो और इलेक्शन आने वाले। पिछले 1.5 महीने से आपने बहुत सारे नेशनल इश्यूज, जो राष्ट्रीय स्तर के इश्यूज हैं, उनसे उनके बारे में आपने दिल्ली से पत्रकार वार्ता में कई बातें सुनी होंगी, और कई मुद्दे जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, देश को जानना चाहिए और अखबारों को भी लिखना चाहिए और टेलीविजन को भी दिखाना चाहिए, आज वैसे 5-6 मुद्दे, लेकिन उन 5-6 मुद्दों पर मैं आज एक ही मुद्दे पर बात करने वाला हूं। आने वाले 1 महीने में हम दूसरे मुद्दों पर, मैं आऊंगा या मेरा कोई साथी आएगा, जरूर चर्चा करेंगे। वो मुद्दे आजकल महंगाई के हैं, वो मुद्दे आजकल रुपए की कीमत घट गई है उसकी है, तेल पेट्रोल डीजल की कीमतों के मुद्दे हैं, समाज में जिस तरह का द्राड़ पड़ गई है वो मुद्दा बड़ा है, हमारी बहु बेटियों की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा, बलात्कार छोटी छोटी बच्चियों का जिस तरह से हो रहा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, आम चीजें खाने की पीने की जो वस्तु है उनका महंगाई का मुद्दा, तो ये मुद्दों पे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, घर के अंदर, घर से बाहर
चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दे किसी एक व्यक्ति के नहीं है, किसी एक पार्टी के नहीं है, ये मुद्दे पूरे समाज के हैं, पूरे देश के हैं, और ये मुद्दे किसी एक विशेष दल के भी नहीं, किसी विशेष धर्म जाति के भी नहीं। लेकिन आज जो मुद्दे पे मैं बात करने के लिए आया हूं, वो मुद्दा है राफेल, जो एक लड़ाई लड़ाकू जहाज में जो हमारी सरकार खरीद रही है, उसमें जो बड़ा स्कैम हुआ है, और जितनी उस पर चर्चा होनी चाहिए थी नहीं होती, जिस पे जितना उस पर आंदोलन होना चाहिए था नहीं हो रहा, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज की रूलिंग पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर, वो इसे छपने नहीं देती, वो टेलीविजन पे इसको आने नहीं देती, पार्लियामेंट में चर्चा होती है तो टेलीविजन में नहीं आता, अखबार में नहीं आता, पार्लियामेंट के बाहर चर्चा होती वहां उसे छपने नहीं दिया जाता। फर्क कांग्रेस के शासन में और बीजेपी के शासन में इतना है कि जब कांग्रेस का शासन, चाहे वो इंदिरा गांधी राजीव गांधी का हो, मनमोहन सिंह का हो, नरसिम्हा राव जी का हो, सौभाग्य से इन चारों के मंत्रिमंडल में मैं मंत्री था, और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में इंदिरा जी के वक्त में जूनियर मंत्री था, कभी हमारे वक्त में ये टेलीविजन और अखबार को कहना कि ये छपेगा ये नहीं छपेगा, हमने कल्पना भी इसकी नहीं की। लेकिन आज की केंद्रीय सरकार ऐसी है, क्या छपेगा और क्या टेलीविजन पे दिखाया जाएगा इसका तय भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, माफ कीजिए एडिटर नहीं करता। आप चाहेंगे भी यहां बैठ के इसको दिखाना लिखना, लेकिन ऊपर से कट जाता है, क्योंकि ऊपर सरकार से हिदायत आती है क्या छपेगा, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छपेगा, सरकार के खिलाफ कुछ दिखाया नहीं जाएगा, और विपक्ष की कोई बात दिखाई नहीं जाएगी। तो हम आज एक ऐसे राजनीतिक वातावरण में जी रहे हैं जहां इमरजेंसी अनाउंस तो नहीं हुई है, लेकिन इमरजेंसी के सारे प्रावधान लागू है। जितने भी प्रावधान इमरजेंसी में होते हैं कानूनी तौर पर, वो तमाम प्रावधान गैर कानूनी तौर पर लागू है पिछले चार साल, वरना पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी विपक्ष की तो पूरे देश में उसकी चर्चा होती। आज क्या कारण है कि कांग्रेस को 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती है, क्योंकि दिल्ली से एक भी खबर छपने नहीं दी जाती है या टेलीकास्ट नहीं होने दी जाती है।